स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्णव भारती फैमिली। मैं प्रिया शर्मा, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, जिसका जो आज टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और आ ही जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट, कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और किसको बोलते हैं। मैं आज आपको बहुत ही इजी एग्जांपल से समझाने वाली हूं, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। द टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल लूंगी, उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज करिए आपकी मदर बाहर गई है किसी काम से और आप घर पर अकेले हो। ओके, आपको सिचुएशन मैंने क्या दी कि आपकी मदर बाहर गई है किसी काम से, आप घर पर अकेले हो और आपकी मदर आपको ये बता के गई है कि भाई अगर घर पर मेरे अब्सेंस में कोई मेहमान आ जाए ना तो आपको चाय कैसे बनानी है। तो उन्होंने क्या विधि बताई चाय बनाने की, उन्होंने कहा एक कप मिल्क प्लस 50 ग्राम शुगर से क्या बन जाएगा, 1% का टी। उन्होंने आपको ये विधि बता दी, ये आपको क्या बता दी, रेसिपी बता दी। ठीक है, आपकी मदर ने आपको ये रेसिपी बता दी कि भाई एक कप मिल्क 50 ग्राम शुगर इसको आप डालोगे ना तो आपकी एक इंसान की चाय बन जाएगी, आपको ये फिक्स बता दिया उन्होंने। आपकी मदर चली गई, पीछे से कोई मेहमान आया, आपकी मदर ने आपको बताया था कि भाई ठीक है चाय बनानी है, आप गए रसोई में चाय बनाने के लिए। आपने वहां पर क्या देखा, आपको क्या मिला, आपको क्या मिला वहां पर, आपको मिला रसोई में एक कप आपको मिला मिल्क। ठीक है, लेकिन जो आपको शुगर मिली ना, जो आपको शुगर मिली वो कितनी मिली, 100 ग्राम। किचन में शुगर कितनी रखी हुई थी, 100 ग्राम। अब आप मुझे बताओ क्या आप इतनी चीजों से कितने आदमियों की चाय बना पाओगे, क्या 2 आदमियों की चाय बना पाओगे, क्या 3 आदमियों की चाय बना पाओगे, नहीं। यहां पर देखो, मिल्क तो आपके पास एक कप ही मिल्क है ना, मिल्क तो आपके पास उतना ही है जितने से कि 1% की चाय बन जाए। तो यहां पर एक कप मिल्क प्लस 100 ग्राम शुगर आपके पास है, लेकिन तब भी आपके पास कितने % की चाय बनेगी, 1% की चाय बनेगी। बात आ गई समझ में, यहां पर 100 ग्राम चीनी होते हुए भी हमारे पास कितने % की चाय बनेगी, 1% की। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो चाय दूध है ना, दूध वो एक कप मिल्क ही है, वो उतना ही है जिससे कि हमारे 1% की चाय बन जाए। ठीक है, ये था, इसको आप मानिए बिफोर रिएक्शन, ये है बिफोर रिएक्शन सिचुएशन। ठीक है, इसको रिएक्शन ही मानो, चाय बनना भी एक रिएक्शन ही मानो आप। ठीक है, तो ये हुआ बिफोर रिएक्शन। अब आफ्टर रिएक्शन, जब आफ्टर चाय बन जाए, जब चाय बन जाए आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन आप देखते हो चाय बन चुकी है, चाय बनने के बाद आपके पास कौन सी चीजें बचेंगी, क्या एक कप मिल्क बचेगा, नहीं बचेगा, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया चाय बनने में, 0 कप मिल्क नहीं बचा। शुगर, अब यहां आपके पास चाय बनने में तो ओनली 50 ग्राम शुगर काम में आ रही है, बाकी की 50 ग्राम बच गई, तो यहां पर कितनी बच गई शुगर, 50 ग्राम शुगर बच गई। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या बन गया, एक कप टी बन गई 1% के लिए। अब आप देखो क्या समझाना चाह रही हूं मैं आपको, बेसिकली क्या कहना क्या चाह रही हूं मैं आपको, कि भाई बिफोर रिएक्शन एक कप मिल्क 100 ग्राम शुगर था और 1% की चाय बन सकती थी, लेकिन हमारे पास कितने की जरूरत थी, हमें जरूरत तो इस चीज की है, एक कप मिल्क की 50 ग्राम शुगर से हमारा एक चाय बन रही है। तो यहां देखो, जब चाय बन जाती है उसके बाद आपके पास क्या क्या चीजें बची, आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके पास सिर्फ 50 ग्राम शुगर बच गई, क्योंकि 100 ग्राम शुगर थी, 50 ग्राम शुगर तो हमें 1% की चाय बनाने में लग गई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्शन होने पर, रिएक्शन होने के बाद, आफ्टर रिएक्शन जो चीज पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए, जो चीज पूरी तरीके से लग जाए उस रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे क्या,
लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आई? और जो चीज एक्स्ट्रा बच जाए, जो चीज एक्स्ट्रा बच जाए उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। बात आ गई समझ में? बात आई? ये दोनों क्या थे? रिएक्टेंट थे। और ये एक हमारा एक पर्सन की टी क्या था? प्रोडक्ट था। आई होप इस एग्जाम्पल के बाद में आप लिमिटिंग रिएजेंट नहीं भूल पाओगे। आपको समझ में आ गया लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या चीज पूरी तरीके से कंज्यूम हो गई है ना, पूरी तरीके से लग गई, जो बिल्कुल भी नहीं बची आफ्टर रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन जो बच जाए उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 50 ग्राम शुगर ही काम में आ रही थी। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था लिमिटिंग रिएजेंट का, कि लिमिटिंग रिएजेंट कहते किसे हैं। ये तो मैंने आपसे थोड़ा सा घरेलू एग्जाम्पल लिया, अब हम चलते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्पल पे। रब करती हूं मैं इसको। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, कि आपके पास सपोज करिए एक रिएक्शन दे रखी है, एक विधि दे रखी है कि भाई वन मॉलिक्यूल ऑफ ए से, मतलब एक ए प्लस एक बी से क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी बनेगा, और वो भी कितना बनेगा? एक। ये हमारे पास हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे कि मैंने आपको शुगर और मतलब चाय बनाते टाइम मैंने आपको बताया था ना कि एक विधि बताई थी मम्मी ने, एक कप मिल्क और 50 ग्राम शुगर से क्या बनेगा एक पर्सन की चाय, वैसे ही एक ए और एक बी से क्या बनेगा एक सी, ठीक है? अब आप देखो, अब मैं गई सामान लेने, मैं बाजार जाके क्या लेके आई, मैं बाजार जाके 5 तो ए लेके आ गई और 10 मैं लेके आ गई बी, ठीक है? 5 ए लेके आ गई, 10 बी लेके आ गई, तो बताओ हमारे पास सी कितने बनेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक ए और एक बी से एक सी बन रहा है, ठीक है, तो 5 ए, यहां पर 10 बी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। यहां पर सिर्फ कितना काम में आएगा हमारे पास? 5 बी काम में आएगा। तो 5 ए और 5 बी से कितना बनेगा? 5 ही सी बनेगा। अब यहां पर जो आफ्टर रिएक्शन, आप देखो आफ्टर रिएक्शन 5 ए बचा, ए बचा, ए कुछ नहीं बचा, 0। बी कितना बचा? 5 बी बच गया, ठीक है? और ये हमारा प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट तो बनेगा जो बनेगा। आप देखो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 ए को लिमिटिंग रिएजेंट एल आर, और बी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट ई आर, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप एक तरीके से देखो कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, उस पर डिपेंड होती है पूरी रिएक्शन के प्रोडक्ट कैसा बनेगा और कितना बनेगा। आप देखो यहां पर 10 बी पे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो 5 ए था, क्योंकि आपके पास पता है कि भाई एक ए से और एक बी से एक सी बनेगा। यहाँ पर ए की क्वांटिटी 5 दे रखी है, बी की 10 दे रखी है, हमें बी की 10 क्वांटिटी से मतलब ही नहीं है, हमें 10 चाहिए ही नहीं, बी हमें सिर्फ 5 चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमारे पास कम क्या है, हमारे पास 5 ए कम है, सीधी सी बात है, हमारे पास 5 ए ही है, ठीक है? तो 5 ए और 10 बी की जगह मैंने 5 बी ले लिया और मेरे को मिल गया 5 सी, एक्स्ट्रा में बच गया ये 5 बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है टोटली ये 5 ए पे डिपेंड कर रहा है कि कितने सी बनेंगे, 10 बी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उस पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना, एक्सेस रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं यहां पर कुछ बातें आपको लिखवा रही हूं साइड में। पहली बात कि जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट एल आर, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम हो इसके लिए एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट होने की ज्यादा जरूरत है। भाई कोई भी इक्वेशन या कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको देखने के लिए आपको कैसे पता चलेगा? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट तो होने चाहिए ना, क्योंकि 2 रिएक्टेंट है तभी तो हम बोल सकते हैं ना एक ज्यादा है एक कम है, या 3 भी होंगे तो उनमें से पता चल पाएगा ना कौन सा कम है कौन सा ज्यादा। अगर एक ही रिएक्टेंट होगा तो उसमें तो कोई कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होने की जरूरत है, ठीक है?
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी कंडीशंस, प्रोडक्ट डिपेंड ऑन LR। दूसरा था एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा जो है रिएक्टेंट होने चाहिए ना लिमिटिंग रिएजेंट वाली प्रॉब्लम को देखने के लिए। तो आई होप आपको ये सारा लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।